अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग की दुनिया डॉट कॉम। आज हम अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी BA BS कोड 487 असाइनमेंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये चाइल्ड डेवलपमेंट की यह सब्जेक्ट है और इसकी असाइनमेंट्स आ चुकी हैं। बाहर की असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चाइल्ड डेवलपमेंट 487 है, टोटल असाइनमेंट 2 हैं। असाइनमेंट नंबर 1 पिछली वीडियो में डिस्कस कर दी गई है, असाइनमेंट नंबर 2 ये है। इसकी लास्ट डेट 15/8/2022 है। आप हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिंक यहाँ पे मौजूद हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे खाली जगह है, खाली जगह 10 हैं और इनमें मुख्तलिफ आपने सब अल्फाज चुन कर लगा रहे हैं। पैदाइश के चौथे हफ्ते में बच्चा ज़्यादातर डैश को दाएं बाएं बोड़ता है। गर्दन बच्चे की उम्र के 5वें साल में जिस्मानी हरकत में रवानी आती है। जिस्मानी नशोनुमा सबसे पहले आब हवा का असर होता है। आराम मगज़ के ऊपर दिमाग का छोटा हिस्सा गैर इरादी अजलात को कंट्रोल करता है, जिसे हम मेडोला ओब्लॉन्गेटा भी कहते हैं। हर की महारत हासिल करने के लिए बुनियादी तौर पर 3 हिस्से हैं। बच्चे अपने जज्बात के अनुसार चेहरे के तासीर हाथों के इशारे से करते हैं। गोयाई के यानी सुनना जो होता है, ज़हनी सलाहियत हासिल करने का इनहसार बोलने की पुख्तगी पर है। छोटे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे अमूमन जल्दी बोलना सीखते हैं। बच्चे में तशवीश का जज्बा डैश की उम्र में महसूस किया है। 9 माह की जज्बाती महरूमियत का मतलब है कि मोहब्बत और शफकत में कमी। मंदरजा सवालात के जवाब हैं। पहला है हड्डी की साख। लिखे इंसान की हड्डी जो है वो 2 तरह की होती है। एक सफूफ वाली हड्डी होती है, चिपटी हड्डी होती है, या मुख्तलिफ, ठीक है। तो ये आपने देख लेना इसको। बच्चे में खुद एतमादी कैसे होती है, हर की नशोनुमा कैसे, ठीक है। गोयाई का क्या मतलब है, जज्बाती नशोनुमा के बारे में मुख्तर। जज्बाती नशोनुमा क्या होती है, असबी निज़ाम क्या होता है, जिसे हम नर्व सिस्टम भी कहते हैं, अजलात को कंट्रोल करने का निज़ाम, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। इसके अलावा 9 बलूगत की तब्दीलियाँ क्या होती हैं, और कबल अज गोयाई की इकसाम क्या हैं, गोयाई क्या है, गोयाई की सलाहियत और इनफरादियत क्या है, ठीक है। जज्बात की अहमियत क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। तो इसको जो है आप लर्न कीजिए। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर कोई भी मसला हो, ठीक है। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, नेक्स्ट असाइनमेंट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।